दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मोरेटोरियम के बारे में कि अगर आपको मोरेटोरियम नहीं मिल पा रहा है तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अपने मोरेटोरियम को ले सकते हैं। और जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो 100% पूरा होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो वीडियो आपको समझ में नहीं आ पाएगी और आप मोरेटोरियम के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपसे मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सिर्फ एक तो कंपनियां ही ऐसी हैं जिन्होंने अपने कस्टमर को राहत दी है, जिन्होंने उन्हें मोरेटोरियम की सुविधा उपलब्ध कराई है। बाकी और कंपनियां और बैंकों को देखा जाए तो उनके कस्टमर अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें मोरेटोरियम कैसे मिले, कैसे उन्हें मोरेटोरियम की राहत मिल पाए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक जिससे आपका EMI किसी भी बैंक का हो चाहे किसी भी कंपनी का हो, आप उसका 100% तक लाभ उठा सकते हो और अपना मोरेटोरियम ले सकते हो। तो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। दोस्तों काफ़ी लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कब मोरेटोरियम होता क्या है, लेकिन उनके पास EMI भरने के लिए पैसे नहीं हैं। बैंक वाले उनको कॉल कर करके परेशान करते हैं, कंपनी वाले उनके पास मैसेज कॉल कर करके परेशान करते हैं, तो उनको समझ ही नहीं आता है कि वो 3 महीने की छूट कैसे लें। क्योंकि जब तक ये मोरेटोरियम की सुविधा उपलब्ध रहती है तब तक उनके पास कुछ समझ नहीं आ पाता है, लेकिन जब तक उन्हें कुछ समझ आता है तब तक ये कंपनियां अपने अकाउंट से ये सुविधा हटा देती हैं और लोग परेशान रहते हैं। तो दोस्तों आज मैं तो आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप किसी भी बैंक या किसी भी कंपनी का लोन हो आप उसमें मोरेटोरियम ले सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बस एक छोटी सी ट्रिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बस एक छोटी सी ट्रिक है जिसको मैं आपको एकदम लाइव दिखाऊंगा, तो आप एक भी स्टेप मिस मत करना और जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तो आप वीडियो को पुश कर करके अपने फ़ोन से उसी तरह से करना तो आप 100% तक अपना मोरेटोरियम ले पाओगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको अपने मोबाइल से अप्लाई करना है, तो देखिए मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में ट्विटर ओपन करना है। अगर आपके फ़ोन में ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आप प्ले स्टोर से ट्विटर डाउनलोड कर लें और उसमें अपना अकाउंट बना लें और ट्विटर को ओपन करें। देखिए मेरा ट्विटर अकाउंट ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ से सबसे नीचे सर्च बार में जाना है और ऊपर टाइप करना है जिस बैंक का या जो भी कंपनी आपकी है उसका नाम। तो फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ SBI। काफ़ी लोग होगा SBI में, मतलब काफ़ी कंपनियाँ हैं, तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं टाइप करता हूँ SBI। अब देखिए यहाँ पे SBI का ये लोगो, बैंक का लोगो आ चुका है। आपको यहाँ टाइप क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा नीचे की साइड में, आपको इस पर क्लिक करना है। अब हमारा एक नया पेज ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पे आपकी जो भी परेशानी है, जैसी भी परेशानी आप लिख सकते हो, चाहे जौन सी भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, कोई सी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, वो आप यहाँ पर लिख दो। हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी जॉब एकदम बंद पड़ी है, कंपनियां बंद है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें मोरेटोरियम चाहिए, हमें मोरेटोरियम कैसे ले सकते हैं, तो आप जो भी लिखना चाहते हो यहाँ लिख सकते हो और लिख के यहाँ ट्वीट कर दो। जब आप यहाँ पर ट्वीट कर दोगे तो कुछ टाइम बाद जैसी कंपनी को मैसेज मिलेगा तो आपके पास रिप्लाई आएगा। वो आपसे बोलेंगे, आपसे पूछेंगे आपकी क्या परेशानी है और आप को एक एक प्राइवेट मतलब अलग अलग तरीके से मैसेज करेंगे, तो आपसे बोलेंगे कि आप यहाँ पर रिप्लाई करो, तो आपको वहाँ पर रिप्लाई करना है। और ये तरीका ऐसा है कि आपका 100% मोनेटाइजेशन अप्लाई हो जाएगा क्योंकि यही तरीका मैंने कई पहले अपने लोन पे किया हुआ था, क्योंकि मेरा मोरेटोरियम अप्लाई नहीं हो पा रहा था तो मैंने इसी तरीके से किया था और मेरा बहुत जल्दी हो गया। क्योंकि हम उनकी जो ईमेल की वेबसाइट होती है
वहाँ पे काफ़ी लोग मैसेज करते हैं तो वो हर किसी को रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन ये तरीका ऐसा है कि यहाँ से काफ़ी बहुत लोग ऐसे हैं जो जानते नहीं हैं, जो करते नहीं हैं। ये ट्रिक ऐसी है कि यहाँ पे किसी लोग बहुत से लोगों को पता नहीं है, तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो और आपका 100% मोरेटोरियम अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर करें, और मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।